वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम ईयर टुडे बिफोर यू वंस अगेन बी द सीरीज मेगा सीरीज एंग शेक्सपियर फ्राम बेसिक टू टॉप क्लास क्वेश्चन यहाँ पर पहले बेसिक से शुरू कर रहे हैं मैक्सिमम आपको हर सीरीज में सौ क्वेश्चन या अस्सी क्वेश्चन दूंगा तो इस तरीके से कम से कम आठ दस दिन लगेंगे तो आपको पूरा दे दिया जाएगा तो देखते हैं क्या है हमारे पास पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है आई विल नॉट किल यू टाइम बिकॉज यू ऑल नो एडमिट कार्ड शायद इश्यू हो गया है तो देखते हैं आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए और ये जो बेसिक सवाल है ये पूछ सकता है क्योंकि मैंने टेस्ट कराया तो बच्चों ने कहा कि सर ऐसे तो इतना टफ आता है तो अब बेसिक क्या अब मैं क्या पूछू शेक्सपियर कब पैदा हुआ था कहाँ पैदा हुआ था तो अगर ये पूछना है तो यही पूछ लेता हूँ चलिए इसमें भी आपको खुश कर देता हूँ तो ठीक है लेट्स सी वॉट वी हैव इन दिस क्वेश्चन इन दिस सीरीज वट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ क्या है तो डेट ऑफ बर्थ क्या होगी तेईस अप्रैल ट्वेंटी थर्ड अप्रैल फिफ्टीन सिक्सटी फोर वो छब्बीस अप्रैल जो उनको बॉप्टाइज हुआ थे हुए थे हा? तो आप ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ठीक है एकदम बेसिक क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर वॉज द सन ऑफ विलियम शेक्सपियर किसके बेटे थे तो एडवन शेक्सपियर टॉम शेक्सपियर एंड जॉन शेक्सपियर तो औरलैंडो के थे नहीं इट इज़ जॉन शेक्सपियर ठीक है और द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ वॉज शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या था एनीहेप्पे था और जो उनसे uh, काफ़ी बड़ी थी और uh, जो uh, एक शार्ट गन था शॉर्ट गन का मतलब बिफोर मैरिज सी वॉज ब्राइड ब्राइड वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट तो इट इज़ शॉर्ट गन तो ऐसी शादी अनहैप्पी होती है हमेशा समझ लेना तो so शेक्सपियर की लाइफ भी कुछ स्टूडेंट्स का मानना था वो अनहैप्पी मैरिज लाइफ था मैरिड लाइफ था ओके वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ईयर्स वो शेक्सपियर्स वाइफ ओल्डर देन हिम बाई वो छब्बीस साल के थे या अठारह साल के थे तो आठ साल की बड़ी होगी ठीक है तो आठ साल की बड़ी हो गई तो और ये पंद्रह सौ बयासी में शादी होती है इनकी ये भी ध्यान रखना डेट भी याद रख लेना उसके बाद वेंडिड शेक्सपियर लीव स्टेट हालांकि इसके सही रिकॉर्ड नहीं मिलते इन्होंने शादी किया और लगभग पंद्रह सौ चौरासी के आसपास वो वहाँ से निकलते हैं ठीक है बेंड इज फादर डाई शेक्सपियर के फादर की डेथ कब होती है शेक्सपियर फादर डाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है 1601 में और इनके सात साल बाद इनकी माँ भी मर गई मतलब सोलह सौ जब मिल्टन पैदा हुए थे तब शेक्सपियर की माँ मर गई थी आप कह सकते हैं तो आप को रिलेट करके भी याद कर सकते हैं तो इनके फा मदर की डेथ तो सोलह सौ आठ में लेकिन फादर की डेथ सोलह सौ एक में ही हो गई थी ठीक है सिक्सपियर्स प्लीज मैकबेथ हैमलेट ओथेलो किंगयर इनको ग्रेट ट्रेजडीज कहा जाता है तो ट्रेजडी है इनका सीक्वेंस भी याद कर लेना ये सीक्वेंस होना चाहिए वो गलत सीक्वेंस में दिया है हुक्म का सीक्वेंस होना चाहिए पहले हैमलेट आया फिर ओथेलो आया फिर किंग लियर आया फिर मैकबेथ आया ठीक है शेक्सपियर ओट ओनली उन्होंने लिरिक तो लिखे नहीं है एल जी भी नहीं लिखी है ओट भी नहीं लिखा तो सोनेट ही लिखे हैं सोनेट्स लिखे हैं है केवल और टोटल सोनेट वन फिफ्टी फोर सोनेट्स हैं जिनमें से 126 ट्वेंटी सिक्स डेडिकेटेड टू डब्ल्यू एच इज़ डेडीकेटेड टू डार्क लेडी मेरीफिटन जो है और दो सोन नंबर लास्ट के जो दो हैं वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेटेड है आ, अगर वो है ही नहीं ऑप्शन में तो वही होगा अट्ठाईस सौ कर दीजिएगा फिर उसको और क्या वेट डिड पीपल वाट डिड पीपल कॉल वेन ई वॉज डूइंग द जॉब ऑफ होल्डिंग द एट द स्टोज स्टेज स्टोर पहले शेक्सपियर क्या थे जाने के बाद थिएटर्स के सामने जो वहाँ के जो रईस लोग आते थे थिएटर्स देखने थे, उनकी घोड़ों की उनकी देखभाल करते थे तो लोग उनको लोग उनको किस नाम से पुकारते थे बिलियम हैनरी अलेक्जेंडर पीटर तो पीपल कॉल एम बिलियम दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया तो फंस सकते हैं बड़े बड़े लोग है बेसिक सवाल है बेसिक सा सवाल तो आप ऐसे शेक्सपियर वॉज बापटाइज ऑन तो तीन दिन बाद हुए थे बापटाइज तो बापटाइज डन नहीं ये कहाँ से हो गया भाई देखो ऐसे सवाल में गड़बड़ हो जाएगा ट्वेंटी में रहेगा आपके यहाँ सही ही है था? तो ये क्वेश्चन जब ईजी हो ना बहुत डाइसी होता है ईजियर क्वेश्चन आर ऑलवेज डाइसियर देन टफर क्वेश्चन तो ये जो है ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल ये हमारा ऑप्शन है नहीं तो पहले ही मार दो कि छब्बीस दिखा तो मार दो अब आपको ये दिखना है मई था कि अप्रैल था कि मार्च था ये दिखना है ना हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड शेक्सपियर शेक्सपियर के कितने बच्चे थे ये तो आपको पता ही है हम्म एक तो जुड़वा थे और एक थे हेमनेट सुसाना और जूडिथ तो ऐसे कह सकते हैं थ्री चिल्ड्रन इन विच प्ले डि शेक्सपियर एक्ट शेक्सपियर ने किस प्ले में एक्ट किया था ऐसे तो बहुत प्ले में एक्ट किया था जैसे आई जू लाइक इट में तो किया था ये सवाल सही नहीं है एडम का किया था क्योंकि मुझे लग रहा है और मैकबेथ में भी डंकन का रूल ऐसा माना जाता है किया था और हेमलेट में भी उन्होंने गोश्त का रोल किया था हेमलेट में भी शेक्सपियर ने खुद ने अपने प्ले में गोस्ट का रूल किया था तीन प्ले में किया था तो यहाँ पर तो मैकबेथ भी है तो मैकबेथ में थोड़ा डाउटफुल है इतिहासकारों का मानना है बट आप एज़ यू लाइक में तो एडम का रोल उन्होंने किया था शेक्सपियर ने और हेमलेट में हेमलेट का गोश्त जो फादर का गोश्ट है उसका रोल किया था तो मैकबेथ में भी डंकन का रोल किया था तो मैकबेथ को अगर हम साइड लाइन like कर दी तो एज यू लाइक इट हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है ऑफ फोर्टीन लाइंस इज कॉल्ड अपोइम फोर्टीनर कहा जाता है उसे सोनेट इज ऑल्सो नोन एज फोर्टीनर हाउ मेनी सोनेट सेट शेक्सपियर रिटर्न शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे वन फिफ्टी फोर वन ट्वेंटी सिक्स आर डेडिकेटेड टू डब्ल्यू एच लव टाइम इन सब पे इनका लॉयल्टी और ट्वेंटी सिक्स आर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी एंड टू आर लेडिड टू लव गॉड क्यूप इट लव गॉड लॉड को डेडिकेटेडी ऑफ सोनेट किसने लिखा है डार्क लेडी ऑफ सोनेट उन्नीस सौ दस में एक शॉर्ट कॉमेडी आई थी किसने लिखा लिख के बताइएगा शेक्सपियर सोनेट्स आर नोन है उनको क्या शेक्सपियो इंग्लिश सोनेट कहा जाता है शेक्सपियर सोनेट को एक्सपीरियंस शेक्सपियर सोनेट को शेक्सपियर सोनेट कहा जाएगा हाँ ठीक है वट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट दैट शेक्सपियर रिटन ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी ये रट लेना भाई ये आ सकता है बहुत बार आया ईजी क्वेश्चन मैंने बताया ना ईजी क्वेश्चन हमेशा डाइसी होते हैं तो ईजी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना ही चाहिए नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा ठीक है वट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ true minds admit impediments love is not love that alters when alteration finds huh? or bends with remover to remove ठीक है ये जो है ये जो सोन नंबर 116 है इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इट इज ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मा नो तो ये इस तरीके की लाइन जो उसमें आती है वट इज द नेम ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स वॉट इज द थीम है थीम तो लव है लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इज पेंडिंग सिकल्स कम पसकम न लाबाल्टॉट विद ब्रीफ आवर्स एंड विद ब्री फावर एंड टाइम बट इट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ टूम इस तरीके की लाइन है एंड इफ दिस बियर एन अपान मी प्रूवड सो मान लोक शेक्सपियर कहता है आई नेवर रिट नो माई नेवर कितनी बड़ी लाइन कह देता है ठीक है मतलब दुनिया की सारी चीजें खत्म हो सकती है ट्रू लव कैन नॉट बी डिस्ट्राइड टू लव इज लाइक क्या है अपो इट इज ओ नो इट इज ए नेवर फिक्स मार्क इट इज स्टार टू एवरी वांडरिंग बार्क वो कहता ना ये हर भटकते हुए भटके हुए जा, नाव के लिए तारे का काम करता है पोल स्टार का काम करता है ठीक है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड सिग्निफाइज क्या करता है टाइम इज फुल टाइम फुल टाइम इंटेलिजेंट टाइम इज इग्नोरेंट यही कह सकते हैं टाइम फुल लव इज नॉट टाइम फुल लेट मी टाइम इज इंटेलिजेंट टाइम इज इग्नोरेंट लव इज नॉट टाइम्स फुल कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं बताता जी नब दैब हो जाएगा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड सिग्निफाइज टाइम इज़ फुल लव इज़ नॉट टाइम्स फुल तो ठीक है आप उस हिसाब से टाइम इज फुल कह सकते हैं क्योंकि लव जो है टाइम के उसमें नहीं आता ना तो आप कह सकते हैं तो ट्रू माइंड सिग्निफाइज टाइम्स फुल टाइम फुल टाइम्स इंटेलिजेंट

थ्री क्वाटर एंड फॉलोड बाई ए कपलेट इन हाउ मेनी पार्ट्स इज शेक्सपियर सोनेट डिवाइडेड थ्री क्वाट्रेन एंड अ कपलेट तो चार पार्ट हो जाएगा mm -hmm. जो क्वाट्रेन के बाद जो आता है वो उल्टा आता है टर्न ऑफ थाट कहा जाता है सोनेट में टू हुम आर शेक्सपियर सोनेट एड्रेस वो डार्कलेडी को और डब्ल्यू एच को एड्रेस इजेड टू डार्क लेडी डब्ल्यू एच अकॉर्डिंग टू द सोन इट लेट बी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स लव इज एन एवर फिक्स मार्क लव इज एन मतलब इट लुक्स एट टेम्पेस्ट एंड इज नॉट वर्थ दो हिज सेन हुए इस तरीके की लाइन है ट्रू लव इज क्या है ट्रू लव इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क ठीक है दर्थ ऑफ ट्रू लव इज अनोन दो हिज हाइड भी ठेक एन इज अन नोन होगा ठीक है आसान बताए ना बेसिक सवाल है टू लव ऑल्टर्स नॉट टू लव ऑल्टर्स नॉट वेन इट आल्ट्रेशन फाइंड सच्चा प्यार बदलता नहीं है विकल्प पाने पर तो कोई विकल्प मिल गया तो रामकली नहीं तो श्याम गली के साथ चलो हुँ? तो इस तरीके से नहीं होता वो रामकली है तो रामकली ही रहेगी ठीक है चलिए इन विच पार माई फ्रेंड शिप समी हैली इन विच चर्च वॉज विलियम सेक्सपियर बैप्टाइज होली ट्रिनीटी चर्च आप कह सकते हैं ट्रिनिटी चर्च है आफ्टर हाउ मैनी डेइ वॉज शेक्सपियर बॉपटाइज थ्री डेज़ शेक्सपियर वॉज द फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ चाइल्ड ऑफ द कौन से थे थर्ड चाइल्ड ये इंपॉर्टेंट सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईजी बट इंपॉर्टेंट ईजी बट इंपॉर्टेंट मीन्स बट इंपॉर्टेंट शेक्सपियर्स वाइफ बिलोंग टू किससे संबंध करते थे शेक्सपियर के जो ससुर जे थे अच्छे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे पीजेंट फैमिली थी ये फैक्चुअल सवाल है जो आपको रटने हैं शेक्सपियर्स मैरिज वॉच भाई शॉर्ट गन वेडिंग थी तो शॉर्ट गन वेडिंग कभी मैरिज शॉर्ट गन वेडिंग थी ना शॉर्ट गन वेडिंग का मतलब होता है जिसमें दुल्हन तो ऑलरेडी शादी के पहले प्रेग्नेंट रहती है तो इट वाज एन कुछ स्टोरी का मानना है अनहैप्पी था हालांकि शेक्सपियर बहुत ज़्यादा वसीयत में उनके लिए छोड़े भी नहीं थे तो अनहैप्पी कह सकते हैं आप लास्ट प्लेज बाई शेक्सपियर आर ट्रेजिक कॉमेडीज एंड आल्सो नोन एज रोमांसिज भाई सही है कोई दिक्कत नहीं है लास्ट प्लेस तो ये सब रोमांसी तो है ना टेम्पस आप ले सकते द सक्सेस ऑफ टू ग्रेटली इम्प्रूव शेक्सपियर्स जो टू पोएम्स थी उनकी उनके सक्सेस को काफ़ी इम्प्रूव कर दिए तो टू पोएम्स ठीक है स्टोरी तो लिखी नहीं वो पोएम्स ही है शेक्सपियर इस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ लैंड लॉर कर दिया लैंड ओनर कर दिया भाई सब गार्डन वर्डन खरीद लिए थे तब इस्टेब्लिश कर लिया था ठीक है विच इज़ नॉट द प्ले ऑफ शेक्सपियर शेक्सपियर की प्ले कौन नहीं रिचर्ड थर्ड है कॉमेडी फेरस है रिचर्ड सेकेंड भी है इस टाइप जो है गाल जोरदी भाई की है येस उन्नीस सौ नौ में आई थी गलजोरदी भाई की है हु मेजर फॉर मेजर ये भी बताने की चीज़ें मेजर फॉर मेजर का टाइटल बाइबल से लिया गया है इसमें प्ले है जिसमें सारे लोग गिल्टी माने जाएंगे एक हिसाब से और जान गाजोरदे ने लिखा है नहीं मैं क्या बता रहा हूँ यार मेजर फॉर मेजर शेक्सपियर ने लिखा है <laughs> हैंग ओवर शेक्सपियर्स बिंटल स्टील क्या है एक प्ले है कब आया था लास्ट फेज में आया था सोलह सौ नौ सोलह सौ ग्यारह में आया था वाट इज शेक्सपियर्स मैगवेथ मैगवेथ क्या है ट्रेजडी है भाई शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है ट्रेजिक कॉमेडी है ठीक है डॉक्टर जॉनसन ने इनको डिफेंड किया था ट्रेजिक कॉमेडी को दिखाया जा सकता है क्योंकि लाइफ में भी हर इंसान के सिर्फ या ट्रेजडी ट्रेजडी या कॉमेडी कॉमेडी नहीं रहती दोनों का मिक्सअप रहता है बेन जॉनसन भी मानते थे ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ये ये डिफेंडेबल है रॉसलैंड इज द हीरोइन ऑफ रॉसलैंड किसकी हीरोइन है अब ऐसे सवाल आपको लग रहे हैं सरल है लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी सवाल बनते हैं रॉसलैंड इज द हीरोइन ऑफ रोसलिन और एलियाना सीलिया है ना रॉस्लिन के का रूप करती है एज यू लाइक इट की हीरोइन है आप जानते ही हैं रॉसलिन डेस्टिमोना इज द हीरोइन ऑफ प्ले डेस्टिनोमा करचीफ वाला ओथेलो और ओथेलो को ही टॉमस राइमर ने ट्रेजेडी ऑफ करचीफ कहा है टॉमस राइमर ने क्या कहा है ट्रेजेडी ऑफ करचीफ इन्होंने ओथेलो की बड़ी क्रिटिसाइज किया कि बड़ा क्रिटिसाइज किया था शेक्सपियर का डेस्टिमोना हु इज द हीरो ऑफ द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस के हीरो कौन है तो हीरो हीरोलाक हो नहीं सकता ड्यूक है नहीं टच स्टोन है नहीं इसमें अगर देखो अगर वैसे बात किया जाए हीरो कौन है तो हीरो तो भाई फिर पोर्सिया हो जाएगी ही मतलब दो सीरीज हीरोइन बट हीरो का, का काम तो वही करिए ना बट ऑप्शन में इस तरीके का है तो मुझे लगता है कि एंटोनियो ही होना चाहिए क्योंकि जैसे ही पूछे हु इज़ द मर्चेंट इन द मर्चेंट ऑफ बेनिस तब भी एंटोनियो होगा और एंटोनियो की बात करें तो मर्चेंट ऑफ बेनिस में एंटोनियो है और मच अडू अबाउट नथिंग में लियोनाटो के भाई का नाम भी एंटोनियो है और प्रासपेरो uh, के भाई टेम्पस में उसका भी नाम एंटोनियो है मतलब तीन प्ले हो गया पांच प्ले में है ना और कहाँ है ट्वेल्थ नाइट में जो जहाज का कप्तान है उसका भी नाम एंटोनियो है और uh, टू जेंटलमैन मेना बेरोना में जो प्रोटियस के बाप का नाम है उसका नाम भी एंटोनियो है तो इस प्रकार से फाइव प्लेज में एंटोनियो नाम के करेक्टर मिलते हैं बता दिए कैसे मर्चेंट ऑफ मेनिस में एंटोनियो है और मचडू अबाउट नथिंग में एंटोनियो है जो लिना का भाई रहता है और टेम्पस में प्रास्पेरों के भाई का नाम एंटोनियो रहता है ट्वेल्थ नाइट में जहाज के कप्तान का नाम एंटोनियो रहता है टू जेंटलमैन ऑफ वेनोना में प्रोटियस के बाप का नाम रहता है एंटोनियो इतना जान लीजिए ये एडिशनल जानकारी कोई बताए होता है नहीं आपको बता दे रहा हूँ हाँ पोर्सिया इज़ द क्या है हीरोइन ऑफ द प्ले यहाँ तो पुर्सिया हीरोइन ऑफ द प्ले है इनफैक्ट सी इज़ द हीरो ऑफ द प्ले हुई साइलाक साइलाक क्या बहुत ज़्यादा पैसा लेके कर्जा देता है यूजरर है मर्चेंट तो एंटोनियो है यूजरर है सूदखोर है साइला की बहुत बड़ा सूदखोर ठीक है हु इज़ द लॉयर ऑफ एंटोनियो की लॉयर पोर्सिया रहती है किसी को पता तो रहता नहीं है पोर्सिया इज द डॉटर ऑफ ए काउंट की बेटी रहती है वो बेलमोन के ठीक है ओथेलो क्या है ओथेलो इज द कमांडर इन चीफ आप कह सकते हैं सर्वेंट तो नहीं हुईज एंटोनी एंटोनी सी जूलियस सीजर का फ्रेंड रहता है ओह माय गॉड तो गड़बड़ हो जाएगा भी कैसे हो गया जी एंटोनी जो रहता है क्या रहता है एंटोनी सीजर का फ्रेंड रहता है ठीक है ये वेटर की स्पेलिंग कर लेते हैं और इन इन विच एक्सपीरियन प्ले गिल्टी किस प्ले में शेक्सपियर के सारे लोग गिल्टी हैं तो मेजर फॉर मेजर में एक हिसाब से देखा जाए तो सारे लोग कहीं ना कहीं के गिल्टी हैं ठीक है यस इट इज मेजर फॉर मेजर द वाइफ ऑफ सीजर सीजर की वाइफ कौन थी कैलिफोर्निया थी हु ऑज बैरन जो मतलब जिस इश्यूलेस थी जिसकी कोई संतान नहीं थी और सीजर चाहता था, था सब वो उसके कोई बच्चा आए तो इसलिए लुपरकाल फेस्टिवल में एंटोनियो को सजेस्ट करता है कि तुम जब दौड़ना तो कल्पोर्निया को छू लेना ऐसा वहाँ के सुपरस्टिशन था अंधविश्वास भी ये था और सीजर का अच्छा दोस्त था एंटोनियो आप एंटोनी कह सकते हैं सीजर का अच्छा दोस्त था ओवरऑल दैट सीजर जो था एपिलेप्टिक था और एक कान का बैरा भी था हु परसुएट सीजर टू गो टू सीनेट सीनेट जाने के लिए कौन मना कौन परसुएट कर लेते पहले तो वो मना कर वो कहती बड़े बड़े भयानक सपने आए हैं कैलिफोर्निया उसे मना कर देती है तो वो मान जाता है लेकिन बाद में ये जो आता है ना ये बहुत डेंजरस आदमी रहता है और इसको कहता है कि जाएगा नहीं तो ये मरेगा कई से जो डेसियस ब्रूटस है ये जो है ये ब्रूटस जो है ये दो ब्रूटस हैं ब्रूटस एक उसका वो उस सही है देशभक्त वाला एक डेसियस ब्रूटस है तो उसको क्या करते हैं उसको सीनेट जाने के लिए वो कर देता है हुईज द चीफ कॉन्स्परेटर कौन है चीफ कॉन्स्परेटर कैसियस है भाई कैसियस इज द चीफ कॉन्स्परेटर सबसे पहले कौन मारता है कैस का मारता है सबसे लास्ट में ब्रूटस मारता है तो कहता है ए टू बी ए टू ब्रूट ये ध्यान रखना है हुई इज द क्लाउन इन द प्ले एज यू लाइक इट में क्लाउन कौन है तो एज यू लाइक इट में क्लाउन बताने की जरूरत है टच स्टोन है जो ऑडरी से शादी करता है कल भी सवाल पूछा था व्हाट इज़ तो द नेम ऑफ वाइलाज ब्रदर वाइला के भाई का नाम क्या था सिवासियन था भाई हाँ ठीक है फेस्टी के बारे में आप जानते ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं मेलबोलियो क्या है मेलबोलियो की स्पेलिंग गलत है मेलबोलियो मेलबोलियो क्या है वो फिलिएगा वो तो स्टीवर्ड है उसके यहाँ यहाँ तो उसका कुछ लेकिन वो उससे प्रणय निवेदन भी करता है तो आप यहाँ कह सकते हो ऊबर कह सकते हैं यहाँ पर तो ओअर है वो उसका कह सकते हैं यहाँ पर वो जब वो यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मेलबोल यू आर लूजिंग योर गुड टेस्ट ड्यू टू योर वैनिटी ना इस तरीके से कैलिफोर्निया बीबीएस जूलियस सीजर हालांकि आर मेडोरस नाम का वो वो करता है सूद शेयर करता है जो तो, सूत शेयर कहता है वो करता है उसे अलर्ट करता है आइडिस आप आइड्स ऑफ मार्च को तो ये भी मना करती है तो पंद्रह मार्च को करती है तो पंद्रह मार्च आप याद रखनी है आइडिस ऑफ मार्च आईडीज ऑफ मार्च आइडिस ऑफ मार्च पंद्रह मार्च को वट वॉज द नेम ऑफ शेक्सपियर मदर शेक्सपियर की माँ का नाम क्या था मैरी आर्डन था uh, और शेक्सपियर की माँ जो थी वो जो थी uh, मतलब शेक्सपियर uh, की uh, पिताजी सोलह सौ एक में मारे थे शेक्सपियर की माँ जो थी सोलह सौ आठ में मरी थी बनवाज रिचर्ड सेकेंड पब्लिस रिचर्ड सेकेंड कब पब्लिश हुआ था भाई रिचर्ड पंद्रह सौ पंचानवे में पब्लिश हुआ था तो ये देख लो पंद्रह सौ पंचानवे एट वाट डेक्सपियर वॉज फोर्स टू लि स्कूल किस एज पे शेक्सपियर ने स्कूल छोड़ दिया है ऐसा माना जाता है कि वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो पंद्रह सौ सतहत्तर के आसपास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी बेसिक है पंद्रह सौ सतहत्तर के पास पंद्रह सौ सतहत्तर के आसपास इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था मतलब ही हैड टू लीव हिज स्कूल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल हिज फादर्स पुअर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से छोड़ दिया ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट सरल दिख रहा है बट इट इज इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जूलियस सीजर वॉर परफॉर्म एन तो परफॉर्म कब किया गया था भाई तो जब लिखा जाएगा तभी परफॉर्म उसके तो पंद्रह सो आप कह सकते हैं जूलियस सीजर वॉज परफॉर्म्ड इन कब परफॉर्म किया गया था पंद्रह सौ ये थोड़ा सा डाउटफुल पंद्रह सौ इक्यानवे पंद्रह सौ तिरानवे पंद्रह सौ निन्यानवे इट इज आई थिंक इट इज फिफ्टीन नाइनटी नाइन एक मिनट सही है इट्स फिफ्टीन नाइनटी नाइन थोड़ा सा इक्यावन में कहीं ना कहीं डाउट हो गया था मैकबेद वो पब्लिश इन द ईयर तो उसका सीक्वेंस याद कर लो हुक्म तो याद हो जाएगा दरअसल इनकी कोई डेट फिक्स नहीं है अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग हिस्ट्री की बुक में अलग, अलग अलग आता है तो एक ओवरऑल आप कह सकते हैं नियर बाई डेट में 1606 सौ छः सोलह सौ कहेंगे सोलह सौ पाँच भी लिखा रहता है अगर okay, आपसे भी कोई नहीं है आसपास पास सोलह के तो वही हो जाएगा फिर विथ प्ले ऑफ शेक्सपी रोज पब्लिश इन दर फिफ्टीन एंड कौन सा प्ले पब्लिश हुआ था मतलब फिफ्टीन में तो ये रिचर्ड सेकेंड अभी ये भी बताया गया था रिचर्ड सेकेंड और दो प्लेज जो ऐसे हैं किंग जॉन और रिचर्ड आर टोटली रिटर्न इन वर्स ये भी बताया गया है कुरियोलिन वॉज पब्लिश इन कुरियोलिनस सोलह सौ आठ में पब्लिश हुआ था ये जानते हैं इट्स ए लास्ट ट्रेजडी बाय शेक्सपियर ना फर्स्ट ट्रेजडी टाइटस एंटोनिकस कहेंगे फर्स्ट प्ले हेनरी सिक्स पार्ट टू लास्ट प्ले कंप्लीटली टेम्पेस्ट इस तरीके से तो है अनफिनिश प्ले तो कई हैं कंप्लीट प्लेन टेम्पेस्ट ही है लास्ट विंटर स्टेल गॉट पब्लिश इन विंटर स्टेल कब हुआ तो सोलह सौ नौ के आसपास हुआ था पब्लिश तो 1609 कहीं कहीं 1610 सो भी लिखा रहेगा तो अब 1609 1610 सो नौ सौ सो दस है नहीं ऑप्शन में हेनरी एट वॉज पब्लिश इन द ईयर जानते इसकी परफॉर्मेंस के दौरान आग लग गई थी और इसको ऑलिस्ट टू इसका सब टाइटल है यही पूछेगा और क्या बोल सकता है ठीक है इसके परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी एक मिनट भाई वट वॉज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स ट्विन क्या नाम था शेक्सपियर्स के ट्विन का सुसान एंड जुडिथ क्या बात है क्या बताए उनके ट्विन का नाम क्या था हेमलेट एंड जूडित सुसाना एंड जूडिथ सुसाना एंड हेमलेट आप बताइए ये आसान सवाल है ये बताए ये देखिए सर सवाल तो सरल ही रहता है तो दरअसल उनके ट्विन का नाम जो था जो डॉटर थी वो सुसाना थी जो इसका जो सबसे पहले वही पैदा हुई थी और जिसका बॉपटाइज तो पंद्रह सौ तिरासी में हुआ था लेकिन उसके बाद ट्विन पैदा हुए थे लगभग आ, पचासी में और हेमलेट और जूडिथ नाम के थे और फिर हेमलेट जो होता है हेमलेट की डेथ भी हो जाती है हेमलेट जो होता है पंद्रह सौ छियानबे में वो मर जाता है ठीक है तो ये हेमलेट एंड जूडिथ है ठीक है दिस इज हेमनेट एंड जूडिथ ठीक है वो तो फर्स्ट चाइल्ड ऑफ शेक्सपियर शेक्सपियर के पहला चाइल्ड ना अभी बता ही दिए बेटी पहले पैदा हुई थी तो सुसाना हो जाएगी सिक्सपियस लिटरेरी करियर हैज बीन डिवाइडेड इन फोर पार्ट किसने किया था डाउडन ने किया था वैसे भी क्रिटिक्स ने चार भाग में किया है मतलब वो चार चार भाग में किया है डाउडन ने किया है लिटरेरी करियर अ पीरियड ऑफ मतलब इन द वर्कशॉप इन द वर्कशॉप किया है और इन द वर्ल्ड किया है दूसरा और आउट ऑफ डेफ्थ किया है और मतलब अ पीरियड ऑफ काम एंड सरिनेटी को किया है तो इससे कि चार पीरियड बताए हैं डाउडन ने बताया है जो क्रिटिक है लिटरेरी करियर को फोर भाग में फोर्थ में डिवाइड किया है ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम हु हुट ऐसा बेन जॉनसन ही कह सकता भाई ठीक है ऑफ द ट्स ऑफ शेक्सपियर विस डाइड इन नाइनटीन फिफ्टीन नाइनटी अभी बताया कि हेमलेट उनका जो बेटा रहता है वो मर जाता है जुड़वा रहता है पंद्रह सौ छियानवे में और इसी के बाद पंद्रह सौ सत्तानवे उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेट फोर्ड हाउस न्यू प्लेस खरीद लिया था और वहाँ पर मतलब ये इसी के एक साल बाद ही, विच राइटर्स डिड शेक्सपियर स्टडीज शेक्सपियर ने किसको किसको पढ़ा है तो भाई शेक्सपियर ने सिनेका को भी पढ़ा था सिसरो को पढ़ा था ओबिट को पढ़ा था वर्जिल को पढ़ा होरिस को पढ़ा तो कहने का मतलब यही था ये रोमियो एंड जूलियट वॉज रिटन इन द ईयर रोमियो एंड जूलियट लिखा गया इन द ईयर तो ये पंद्रह सौ इक्यानवे के आसपास लिखा गया तो आप कह सकते हैं हाउ मनी ईयर्स आफ्टर रोमियो जूलिएट अड समर नाइट ड्रीम तो पाँच चाँच में आ गया चार साल आप कह सकते हैं मिड समर नाइट ड्रीम्स वॉज रिटन ये कह सकते हैं हॉलिनसिट क्रानिकल वर यूज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट ये हॉलिन सेट क्रानिकल किसने यूज किया तो जाहिर सी बात है इन्होंने तो खूब जमकी किया है तो आप इनको कह सकते हैं और आउट ऑफ थर्टी सेवन प्लेज हाउ मेनी प्लेज आर इन क्वाटोफार्म तो सिक्सटीन प्लेज वर इन क्वाटोफार्म द रीप ऑफ लुक्रीस बीनस एंड एडोनिस आर लव पोएम्स ये लव पोएम है उनके हाँ और लिप और रेप ऑफ लुक्रीज जो है राइम रॉयल में लिखा गया है जिसको आप चौसेरियन स्टेंजा कह सकते हो राइम रॉयल में लिखा गया है में लिखा गया राइम रॉयल चौसठ का ए बी ए बी बी इसका राइम रॉयल क्या होता है ए बी ए बी बी सी सी ठीक है कि नहीं सेवन लाइन आयम्बिक पेंटामीटर कह सकते हैं आप ए बी ए बी बी सी सी तो सात सेवन लाइन स्टेंजा होता है राइम रॉइल एज चौसेरियन स्टेंजा तो इसमें पूछा जा सकता है कभी कभी स्टेंजा फॉर्म में केवल चार ही आएगा और कुछ नहीं आएगा एक तो स्पेंसेरियन आ सकता है एक तो चौसेरियन आ सकता है एक तो ओटावरिमा आ सकता है जिसको आप राइमा हैं टैरजरिमा आ सकता है जो टू द बेस्टमेंट में इस्तेमाल किया है कि उन्होंने शेले ने इट्स ए सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग टर्सेट्स रामिंग ए बी ए बी ए बी सी बी इस तरीके से चलता रहता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग होप सीरीज कंटिन्यू रहेगी डोंट वरी थैंक यू वक्त कम है मैं कहीं जा रहा हूँ इसलिए इतना ही काफ़ी है